मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ी बात यह है कि विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विजयवर्गीय को टिकट मिलते ही उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय सुर्खियों में आ गए। सूची जारी हुई तो राजनीतिक गलियारों में ये सवाल गूंजने लगा कि पार्टी ने पिता को तो टिकट दे दिया, क्या बेटे को भी पार्टी फिर से चुनावी पिच पर बैटिंग करने का मौका देगी। आकाश विजयवर्गीय अभी इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद के खिलाफ खुलकर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। अब बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर खुद परिवारवाद के मुद्दे पर लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा कर दी है। दिलचस्पी इसलिए क्योंकि बीजेपी में एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला है, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि क्या आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया जाएगा या नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने साल 1990 में इंदौर की 4 नंबर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद साल 1993, 1998 और 2003 में अपने गृह क्षेत्र 2 नंबर सीट से विधायक रहे। संगठन ने 2008 और 2013 में विजयवर्गीय को महू विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकारा और जीत हासिल की। कैलाश ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ही 2018 में उनके बेटे आकाश को इंदौर 3 सीट से टिकट दिया गया और उन्होंने भी जीत हासिल की थी। जब जब आकाश विजयवर्गीय की चर्चा की जाती है, तब तब उनकी बल्लेबाजी का जिक्र भी होता ही है। दरअसल साल 2019 में विधायक आकाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो इंदौर के गंजी कंपाउंड क्षेत्र में नगर निगम के एक अधिकारी को बल्ले से पीटते नजर आए थे। आकाश नगर निगम के अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई से काफी नाराज थे। इस घटना के बाद बीजेपी की पूरे देश में किरकिरी हुई थी। इस कांड की वजह से आकाश की छवि भी धूमिल हो गई थी। इसके बाद चर्चा में तब आए जब आकाश विजयवर्गीय ने अपराधियों को लेकर विवादित बयान दिया था। अपराधियों और खास करके दुष्कर्मियों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अच्छे काम करने वाले बच्चों के माता पिता को प्रोत्साहन मिलता है, उसी तरह अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस पर कानून भी बना दूंगा। अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को 2 से 3 साल की सजा भी मिलनी चाहिए। इसके बाद हाल ही में उनके जन्मदिन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां पर उन्हें सिख समाज की ओर से तलवार भेंट की गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि सिख समाज जन आकाश विजयवर्गीय को हाथ में तलवार पकड़ा रहे हैं और विजयवर्गीय भी तलवार को म्यान से निकालकर हाथ में लेकर लहरा रहे हैं। फिलहाल राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी ने इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे 4 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह पर नरेंद्र सिंह तोमर को ही मैदान में उतार दिया। ऐसे में बीजेपी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को लेकर चल रही है, जिसके चलते कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश के लिए चुनावी रण में उतरना मुश्किल हो सकता है।